हाँ जी भाई मैन बता रही है दोस्तों मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे नहीं जानते तो मैं जल्दी से बता देती हूँ मैं हूँ आपकी लाइफ कोच हेल्थ एंड वेलनेस कोच रिलेशनशिप काउंसलर मेरा नाम है सिस्टर आरती दोस्तों अगर गलती से चैनल पर नए टपके हों जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो फट से सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आप लोगों की और मेरी बातें हो सकें और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको बहुत सारा प्यार यार इंस्टाग्राम पर हाल ही में एक लड़के का मैसेज आया और मुझे लगा कि यार वो जो प्रॉब्लम है मेजोरिटी ऑफ द यूथ की प्रॉब्लम हो सकती है लड़के की उम्र है चौबीस एंड लड़का यार इस समय इतनी बुरी स्थिति में है कि गलत चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहा है उसने कहा कि वो हमेशा अपोजिट जेंडर के बारे में सोचता रहता है लड़कियों को देखकर उसकी निगाहें हमेशा गलत जगह जाती हैं वो इंटरनेट पर हमेशा ऐसे ही आ, ऐसा ही कंटेंट खोजता रहता है ये सब चीज़ें देखता रहता है जिसके चलते उसकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी लिटरली ख़त्म हो चुकी है दिमाग भारी रहता है दिमाग में यही सब चीज़ें फंसी हुई है हैं जिसके चलते वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो यार ये मेजोरिटी ऑफ द यूथ की प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि यार ये ना ये ना एक स्ट्रैटी है क्योंकि वो लोग तो अपने पैसे कमा रहे हैं सब कुछ करके और यूथ को इस जाल में लोगों ने फंसा लिया है राइट जिसके चलते यूथ की प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई है जब पढ़ना था काम करना था अपनी रिलेशनशिप पर ध्यान देना था अपनी हेल्थ पर अपनी फिटनेस पर या ये बहुत सी नई चीज़ें हैं करने के लिए उन सब चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करना था यूथ हर समय लिटरली इन्हीं चीज़ों में लगा है क्योंकि इंटरनेट एक्सेस बहुत इजी है इस समय और लड़के ही नहीं यार लड़कियां भी ये कर रही हैं कोरा पर कुछ टाइम पहले मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था कि जब वो पूजा भी करती है ना तो भी उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं तो यार इसके बहुत गंभीर परिणाम है राइट क्योंकि जब एक्चुअली में ये सब कुछ करने का आपके साथ में आपके पार्टनर के साथ वो टाइम आता है तो लोग एक्चुअली में एक्साइट नहीं हो पाते हैं इन चीज़ों में इतना इंडल्ज हो चुके हैं पहले लाइक अगर मैं बॉलीवुड मूवीज़ की बात करूँ बॉलीवुड ने तो लिटरली सबके ज़िंदगी का सत्यानाश कर रखा है वो मूवी है ना सोनम कपूर की खूबसूरत उसमें वो कहती है विक् मुझे तुम्हें देख देख के गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं तो यार पॉइंट नंबर वन यही है कि जिस भी चीज को देखकर आपके मन में गंदे गंदे ख्याल आते हैं ना ऐसी सारी साइट्स को लाइन से आप लोग ब्लॉक मारो ऐसा कोई मीम्स का पेज फॉलो किया हुआ है कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है सबको लाइन से ब्लॉक मारो रीजन बिहाइंड दिस ये और ये आपकी दो इंद्रिया हैं आपकी आंखें और कान जितना देखते हो और जितना सुनते हो जिस भी चीज को आप वैसे ही बनते चले जाते हो अच्छी चीजें सुनोगे तो अच्छे बनते चले जाओगे ऐसा कंटेंट देखोगे तो भाई ऐसे ही बनते चले जाओगे और यार ऐसा करने से कुछ मिल नहीं रहा है बाद में मन में गिल्टी गिल्ट रहता है राइट तो इन दो चीजों को लाइक सारी नोटिफिकेशन को ऐसे मीम्स के पेज को ऐसा कंटेंट को ऐसी कोई नोटिफिकेशन आपने अलाउ की हुए सबको लाइन से ब्लॉक मारो राइट देन पॉइंट नंबर टू यार शेयर करना सीखो अपने पेरेंट्स को तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली भारत में पेरेंट्स ने इतने तो बच्चों को नहीं दिया हुआ है साहस बच्चा एक बार को चोरी करके आ जाए तो पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे पर अगर बच्चा बताए कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं तो भाई पेरेंट्स की नज़रों में तो वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान है और हालांकि सबको पता है ये सब चीज़ें होती हैं राइट तो आप किसको शेयर करिए अगर आप किसी काउंसलर से चाहो क्योंकि एक ऐसे इंसान से शेयर करो जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके आप किसी काउंसलर के पास जाओ जो आपको समझेगा अभी उसको शेयर करो बिसाइड दैट आपका कोई सीनियर हो कोई टीचर हो कोई फ्रेंड हो फ्रेंड भी ऐसे वाला नहीं जिसके साथ में आपने ये बात शेयर की वो आपको कोई और कंटेंट ला मैं दिखाता हूँ और अच्छा कंटेंट ऐसे वाला फ्रेंड नहीं कोई समझदार कोई आपसे बड़ा नहीं है तो, तो किसी डायरी में लिख दो कि यार मैं ऐसे ऐसे चीजें कर रहा हूँ जिसके मन में मेरे जिसकी वजह से मेरे मन में गिल्ट आ रहा है मैं इन चीजों से बाहर आना चाहता हूं मैं अब नहीं करूंगा ये भी नहीं है यार आपका जो भी धार्मिक स्थल आपके जो भी इष्ट हैं आपके पूजा घर मंदिर वहाँ पर जाकर भगवान को बोलो कि यार मैं इन चीज़ों में ना बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ ऑब्वियसली लड़कियाँ भी ये सब कुछ कर रही हैं बहुत ज़्यादा तादाद में एंड मैं इन चीज़ों से बाहर आना चाहता हूँ मैंने ऐसे ऐसे करके किया तो इससे होगा ये कि अंदर से ना वो सब चीजें उल्टी कर दोगे आप अंदर से वो जो बोझ है जो बर्डन है जो आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हो वो बाहर आ जाएगा एक बार जब वो बाहर आ गया आप बहुत रिलैक्सिंग हो जाओगे एंड लिटरली आपको पीस महसूस होगा पॉइंट नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है यार इनर क्लिंजिंग करो इनर क्लिनजिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि अंदर टॉक्सिन आ गए हैं जहां भी टॉक्सिन बढ़ते हैं वहीं नेगेटिविटी बढ़ती है और नेगेटिविटी बढ़ गई है आपने सोचा चलो अब से नहीं देखूंगा फिर आपको नेगेटिविटी वहीं धकेलेगी आपके अंदर की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी मन फ्रेश नहीं रहेगा तो मन क्या रहेगा बासी रहेगा आलस रहेगा आप लेटे रहोगे लेटे रहोगे तो भाई ये सब कुछ देखोगे अंदर से क्वालिटी ऑफ थॉट्स लाने के लिए अपने कहे हुए शब्दों को एक्चुअली में पूर्ण करने के लिए कि हम नहीं करेंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कल से नहीं करेंगे जिम जाएंगे ऐसा करेंगे वैसे

पर नहीं कर पाते क्यों नहीं कर पाते क्योंकि अंदर से आप स्ट्रांग नहीं हो आप अंदर से वीक हो विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए इनर क्लींजिंग होनी बहुत जरूरी है तो अपनी इनर क्लिनिंग करो आपको पर्सनल सेशन लेना है इसके लिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो नहीं तो मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ यार कोई टेंशन की बात नहीं है <laughs> करना इतना ही है सुबह उठकर गर्म पानी पियो एटलीस्ट दो ग्लास एंड उस पानी को फिर बाहर निकालना है थ्रॉट में एक फिंगर डालनी है उसको बाहर निकालना है उससे ये होगा आपका फूड पाइप क्लीन हो जाएगा अंदर से जो एक्स्ट्रा जो एसिड है जो टॉक्सिनस है वो बाहर आ जाएंगे उसके बाद आधे ही घंटे बाद बैठ के आराम से सब सब करके गुनगुना पानी पीना है ठीक है पहला स्टेप ये है दूसरा स्टेप यार ये है कि प्लीज़ ताज़ा खाना खाओ बहुत सारे फीमेल्स हैं यार सुबह खाना बनाने के चक्कर में रात को ही आटा गूंथ के रख देती है बासी खाने की रोटी खुद भी खाती हैं बच्चों को भी खिलाती हैं तो यार बासी बिल्कुल भी खा नहीं खाना है जितना बासी खाओगे उतना ज़्यादा दिमाग गलत चीज़ों की तरफ जाएगा सेहत गलत हो जाएगी सब कुछ गलत हो जाएगा तो जितना आप शुद्ध हल्का सात्विक खाना खाओगे सात्विक स्पेशली फोकस कर रही हूं उतने आप सही दिशा की तरफ सात्विक सही दिशा की तरफ ही आपको लेके जाता है ठीक है तो सात्विक खाना खाओ शुद्ध खाना खाओ बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करो इनर क्लेंजिंग करो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार योगा करो हम लोग क्या करते हैं यार बहुत सारा प्रोटीन खाएंगे आर्टिफिशियल प्रोटीन खाएंगे मसल्स बनाएंगे जिम जाएंगे पर उसका शरीर पर या दिमाग पर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है एक्चुअली वो सिर्फ आप बाहर से देखने में लग रही हैं कि बॉडी बन गई भाई अंदर से क्या चल रहा है बॉडी में सब कुछ आर्टिफिशियल हो रहा है तो करना ये यार अपनी बॉडी को मजबूत बनाना है वज्र शरीर बनाना है वज्र शरीर बनेगा तो थॉट भी वज्र होंगे तो करना यही है कि अच्छा खाना खाने के साथ साथ घर में बैठ के योगा करो योगा करो आधा घंटा योगा किया 20 मिनट मेडिटेशन करा 10 मिनट आपने ओम मंत्र का चेंट किया मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हाउ टू चेंट ओम ठीक है तो ये तीन चीजें आपको करनी है एंड दैट इज रियली इनफ इतना करने मात्र से आपके ये जो फालतू के जो डिस्ट्रेक्शन आपको हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे आप थोड़ा आध्यात्मिक हो जाएंगे स्पिरिचुअल होते ही मन शांत तो होगा मन शांत तो होगा तो आप सही दिशा की तरफ जाओगे और जब दिशा सही होगी तो आपकी अपनी दशा भी बिल्कुल सही हो जाएगी ये कुछ पॉइंट फॉलो करो एंड आई एम सो श्योर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा आप इस बैड एडिक्शन से एटलीस्ट बाहर आ जाओगे नहीं भी आ पा रहे हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो मुझसे पर्सनल इसके लिए कंसल्टेशन या सेशन ले सकती हो यू ऑल द चैनल को सब्सक्राइब कर दे टेक केयर बाय